भारत में एक बार फिर से कोविड के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट JN के मामले देश में सामने आए हैं। इस नए सब वेरिएंट की वजह से देश में कोविड-19 के मामले बढ़ते हुए रिपोर्ट हुए हैं। वर्तमान में JN1 सब वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सभी राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वेरिएंट JN1 के लिए ताजा अलर्ट जारी किया है और जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में संदिग्ध मरीजों की जांच के निर्देश जारी किए हैं। देश में 21 दिसंबर को 350 से ज्यादा कोविड के केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से एक्टिव केस बढ़कर 2600 से ज्यादा हो गए हैं। कोविड-19 पर कर्नाटक के CM ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियाती कदम उठाने होंगे। Taken a decision that this disease, we need not be panic. People need not be panic. But precautionary measures will have to be taken. Wherever there are groups and gatherings, in such places, everybody should wear mask. And the 60 and above years old people with comorbidities, and compulsorily they should wear mask. वहीं सब वेरिएंट JN1 के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर ने बताया कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। कोविड-19 का सब वेरिएंट जो JN.1 है वो कोविड का ही एक रूप है, परंतु ये अभी जो अपने पास जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी केस डायग्नोज हुए हैं उनमें काफ़ी माइल्ड से सिम्टम्स हैं। माइल्ड सिम्टम्स से मेरा मतलब ये है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक अपने ऊपर का जो ट्रैक होता है, जिसमें जुकाम, बुखार, बॉडी एक होना, खांसी होना, जैसे नॉर्मल सिम्टम्स अपने वायरल के मिलते हैं, उसी टाइप के सिम्टम्स मिल रहे हैं। और इससे हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली हमें एहतियात जरूर बरतना चाहिए। एहतियात बरतने से मेरा मतलब यह है कि ज़्यादातर भीड़ में जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। भीड़ में यदि हम जा रहे हैं तो अपना मास्क लगाएं, सैनिटाइजर हम यूज़ करें, रेगुलरली अपने हैंड वॉश करें। तो ये अपने नॉर्मल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम फॉलो करें। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में JN1 सब वेरिएंट के अब तक 21 केस सामने आए हैं, जिनमें से 19 गोवा में और महाराष्ट्र केरल में एक एक केस रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 341 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली और गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 11, तमिलनाडु में 13, तेलंगाना में 4, कर्नाटक में 9 मामले सामने आए हैं।